बांदा में अपर जिलाधिकारी कार्यालय पर ग्राम करतल से लगभग दो दर्जन किसान आकर के अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर किसानों का धान खरीद केंद्र में न खरीदने के संबंध में ज्ञापन दिया। आपको बता दें, पूरा मामला बांदा जिलाधिकारी कार्यालय का है, जहां पर करतल गांव थाना नारायणी के लगभग दो दर्जन किसान अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया और बताया है कि हम सभी लोग करतल मंडी धान बेचने के लिए पीसीएफ केंद्र प्रभारी हरीश वर्मा, पीसीयू के राम स्वरूप मुनीफ व यूपीएसएस उत्तर प्रदेश सहकारी संघ के केंद्र प्रभारी धीरेन्द्र तिवारी ने धान खरीद केंद्र में 15 जनवरी 2020 को प्रार्थी गणों का धान तोड़ने के लिए रखा है, लेकिन दिनांक 23 जनवरी तक प्रार्थी गणों से कहते रहे कि बोरी नहीं है, जब बोरी आ जाएगी तब तौल होगी, लेकिन दोबारा जब 25 जनवरी को धान तोड़ने के लिए केंद्र प्रभारियों से कहा तो उन्होंने कहा कि आप लोग अपना धान ले जाओ क्योंकि साइट बंद है, तो प्रार्थीगण अगर धान ना बिका तो सारा धान खराब हो जाएगा और भुखमरी के कगार में आ जाएंगे। और मंडी कल के केंद्र प्रभारी कह रहे हैं कि दिनांक 28 फरवरी तक धान खरीद होगी, परंतु केंद्र प्रभारी 15 जनवरी को जब धान तैयार हुआ तो केंद्र प्रभारी ने धान खरीद बंद कर दिया, जिससे हम सभी लोग प्रार्थीगण का धान साइट खुलवा कर तौल करा कर खरीद करवाने के लिए यहाँ पर आए हैं। इस मौके पर प्रमोद कुमार, राम नरेश, राम गरीब, कमलेश कुमार, राम अवधेश, फूल सिंह, अजय सिंह, नरेंद्र तिवारी, जनार्दन शुक्ला, कमलेश प्रसाद शुक्ला, लगभग दो दर्जन ग्रामीण किसान उपस्थित रहे। बांदा से संवाददाता उमेश यादव की रिपोर्ट। नहीं हो रही बिक्री, साहब कह रहे हैं कि अब अभी तक कहते रहे, पहले कहते रहे कि बोरी नहीं है और इसके बाद में अब कहने लगे कि साइड बंद हो गई है और हमें कहे गुमराह करते रहे कि ये फरवरी तक खरीदी चलेगी, चिंता ना करो, आप लोगों की खरीद आप खरीदी कर लेंगे। हम धान वहाँ रख गए, कितने किसान परेशान हैं वहाँ पे? कम से कम 50-60 किसान, 40-50 किसान परेशान हैं। करतल पड़ता है नैरानी तहसील के अंतर्गत और उसी के अगल बगल गांव जितने भी हैं, पंचमपुर है, मंडी नहीं है, तीन खरीदी केंद्र है हमारे वहाँ पे मंडी पे, तीन में से तीनों में बोरियों की समस्या बता रहे थे, तो उनके किसानों के धान खरीद में कुछ समस्या आ रही है, इस संबंध में क्या कहें? देखिए, फूड आयुक्त के निर्देशन पे मार्केटिंग जो एजेंसी थी उसके अलावा सारी एजेंसियां से धान खरीद नहीं हो रही है, कुछ दिक्कतें हैं। तो ये जो अभी किसान आए हुए हैं, इनको मैंने अवगत कराया कि यहाँ पार्ट सेंटर मार्केटिंग के हैं, वो अभी खुले हुए हैं, लेकिन दो तीन दिन के लिए कोई सर्वर की दिक्कत है तो इसलिए वो खरीद नहीं हो रही है, उसके बाद से खरीद होने शुरू हो जाएगी और ये लोग ले जा करके वहाँ पर अपना धान का विक्रय कर सकते हैं। किसानों का कहना है कि वहाँ बोरी नहीं थी, इस वजह से हमारा धान वहाँ पर रखा है, ऐसा क्या मामला है? बोरे अब चूंकि किसान हैं, इनकी भी अपनी कुछ समस्याएं होती हैं और बीच समय में था, लेकिन इस साल चूंकि एक नई प्रणाली PFMS से भुगतान का लागू होने के कारण कुछ दिक्कतें आई और कुछ देर हो रहा था, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बोरे वोरे सभी हैं, फिर जा करके अपने मार्केटिंग के केंद्र पर गेहूँ को